गाइस कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं आप सब पहले से मतलब ठीक ठाक खुश रखें और आबाद रखें। तो अभी मैं बना रही हूँ ब्लैक चनों के चावल, जो मैंने कल मसाले में चौके थे चाट अलग बनाए थे और ये सालन चनों का अलग से बनाया था। मैं आपको बताऊँगी इसमें चावल इतने मज़े के लगते हैं, मैंने बोला चलें बच्चों के लिए बना देती हूँ, फिर और फिर बाद में जो बनेगा बनता रहेगा। अभी देखिए ऑयल गर्म हो रहा है। अच्छा, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ये पुलाव बिरयानी डाला करें, बहुत मज़े का लगता है। और नमक डालेंगे मसाले, ना प्याज डालेंगे ना टमाटर, क्योंकि इसमें प्याज भी बहुत सारे डालेंगे और टमाटर भी बहुत सारे, चावल है हमारे आधा किलो। पहले मैं मसाला इसमें डालती हूँ, फिर आपको इसके अंदर सिर्फ मसाला ऐड किया था शुरू होने में, और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। पानी लाजमी ऐड करना पड़ेगा, आपको पता ना प्याज कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ अभी पैकेट डालना है आपने। मैंने तो सिर्फ ये पैकेट डाला है इसके अंदर, थोड़ा सा पानी ऐड किया है, पैकेट डाला है, तो सिर्फ ये पुलाव का पैकेट ऐड किया है। नमक हम बाद में डालेंगे, थोड़ा सा साथ डाल देंगे अभी, और फिर चने ऐड करते हैं इसमें अपने जितने हमें थोड़े से बचा लेने हैं, आधा किलो के चावलों के हिसाब से डाल लें। सॉरी बसा थोड़ी सी हो गई थी, वो आधा किलो के हिसाब से हमारे चने बिल्कुल बेस्ट है, हम ज़्यादा नहीं लेंगे। तो अभी इसको थोड़ा सा भूनते हैं, इसमें हरी मिर्ची और नमक ऐड करते हैं। तो देखिएगा इस जैसे मैंने आपको बताया था, इसके अंदर भी मैं नमक ऐड किया, हरी मिर्ची और वो जो मसाले का साशे का पैकेट था वो डाला है, सिर्फ कुछ ऐड नहीं किया। बहुत मज़े के बनते हैं, छोटा सा भी लोग बना के मैं शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। चलिए अभी हम इसमें पानी फेंक कर अपने चावल भी ऐड करते हैं, आपको दिखाते हैं। और तो पानी ले लेंगे क्योंकि पानी साफ होता है हमारा। इसको हम अभी करते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं और वेस्ट नहीं करना चाहिए कुछ भी चीज़। तो मैं अपने बच्चों को ऐसे बना के अक्सर कभी कुछ दे देती हूँ, वेस्ट नहीं करती हूँ। देखो मैंने सारा इसमें पानी ऐड कर लिया है, चावल भी डाल लिए, काचे डाल लिए। बड़ा मुश्किल होता है खाते वीडियो बनाना फिर काम करना। कंप्लीट हो गया, अभी इसमें पानी कम लग रहा है, थोड़ा ऑयल से आज पानी टेस्ट कर देंगे, थोड़ा पानी और ले लेते हैं, पानी थोड़ा कम लग रहा था। चलें ना सही रहेगा, देखते हैं। अब हम इसको रखेंगे पकने के लिए, नमक हमने ऐड कर दिया है, बहुत सिंपल ही है, पुलाव की तरह बनते हैं और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के लगते हैं। कर लो आप लोग बनाना, आप लोग का ये पसंद आएंगे तो ये बनते हैं, फिर हम आपको बाद में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कपड़े धोए थे, ये ऊपर भी फैला दिए कपड़े और इधर भी कपड़े फैले, थोड़े से और पड़े हुए अभी वो भी फैलाएंगे, तो देखें मैं चले मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पर भी जो कपड़े थोड़े फैलाए गए हैं वो कपड़े भी थोड़े से कपड़े हैं, बाकी धोए हैं मैं आप लोग को दिखाती हूँ। किचन भी साफ कर दिए, नीचे का साफ होना बाकी है, भी तड़का हो गया है। बस देखें चावल मैं दम पे रख कर गई थी, अभी देखें ये हो गए तैयार। चले मैं उतारती हूँ, चला के फिर दिखाती हूँ। चलो गाइस जैसे आगे मैंने आपको बताया था चावल रेडी कर लिए, अभी इनको चलाते हैं चावलों को, फिर आपको दिखाते हैं कैसे बने हैं। ये देखें कितना धुआं छोड़ रहे हैं चावल, बहुत मज़े के बनते हैं, देख के बनते हैं। पंजाबी में अक्सर ये पंजाबी चना पुलाव कहते हैं ना, वो लोग ऐसे ही बनाते हैं, इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप लोग बनाना, आपने मैंने इसके अंदर हल्दी वगैरह देखे, आपके सामने कुछ भी ऐड नहीं किया है, जो डाला है आपको दिखाया है, कोई चीज़ वेस्ट नहीं करते हैं। मैं तो खैर सालन और गोश्त के बचता है या तो कुछ भी, मैं ऐसे ही बना के बच्चों को दे देती हूँ, ज़ाया नहीं करती हूँ इसको। आई होप आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। ये देखें बहुत टेस्टी चावल तैयार हुए हैं। तो मिलते फिर मजीद अच्छी वीडियो से, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना। तब तक के अल्लाह हाफिज़।